से चल करके आए हैं है? प्रणाम करता हूँ उनके समस्त मंडल को, मनीष विद्वान जितने भी कलाकार आए हैं सबको हृदय से प्रणाम करते हुए अमित भाई और क्या बेहतरीन साउंड सर्विस के बीच में कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। शायद इस सीजन की पहली साउंड सर्विस है क्योंकि सीजन शुरू होता है जन्माष्टमी से और आखिरकार आज मिल ही गए। हृदय से आभार प्रकट चाहूंगा यहाँ के श्री दुर्गा पूजा समिति के जितने भी पदाधिकारी गण हैं मेरा प्रणाम पहुंचे वहां तक जहां वो बैठे हैं। आगे सुनिएगा सुना है कि बिना चांदनी चांद खिलते न देखो। अरे भैया बिना चांदनी चांद खिलते न देखो और बिना स्नेह दीप जलते न देखो और बिना बादलों के रही धूप प्यासी अरे बिना मां के जीवन संभलते न देखो। तो इसीलिए कहना है कि बिना के तारों का कभी भी न शर्मसार क्या बात है अरे भैया कभी भी न शर्मसार धना मन की है कभी भी न शर्मसार धना मन की है और नदी तो से आवाज़ निकाले
तो मेरे सर पे Thank you.
पल के लिए आप लोग बहुत परेशान थे बेहतरीन साउंड सर्विस में, आइए उस घड़ी का इंतजार अब खत्म और जवाबी प्रतियोगिता की ओर। अभी आप लोग सुन रहे थे बड़े भैया बरेली से पधारे हुए श्री राजवीर यादव जी को सुंदर गीत माता रानी के चरणों में रखा है। आपकी ओर से गीत आया है, सुनेगा सुनाओ बेटा। गीत आया कितनी तन्हाई मिलती है, जन्मों से जय जयकार किया करती है। और आपने बताया
सतयुग से साधा किया करती है जानकी जानकी दुश्मन के जान जानकी बनी दुश्मन असुरानी जान करती है। आइए अपनी ओर से प्रयास सुनिए सुना है क्योंकि माता जी को बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। माँ सदा सदा चार किया करती है। ये माँ जिसका आज गुणगान हम सभी कर रहे हैं ये माँ सदा सदा चार किया करती है। माँ ममता व प्रभु प्यार दिया करती है और माँ की दया से मिलता है प्रीति व स्नेह का सामंजस्य। अरे ये माँ ही तो है जो संस्कृत और आचरण दिया करती है। माता के कई रूपों का आपने सतयुग से लेकर के देवी आदि शक्ति की कहानी आपने बताई। द्वापर में द्रौपदी को बताया, त्रेता में सीता जी को बताया और कलयुग में आज हर ग्राम में हर चौराहे पे दुर्गा जागरण हो रहा है। सभी माताओं का आपने बहुत अच्छे से बताया है। कयामत पर जब आया शक्ति से विश्व की उत्पत्ति आपने दिखाई है और महाशक्ति से ही विश्व की उत्पत्ति यहाँ दिखाई जा रही है। चार युगों में जिनको आपने दिखाया है चार युगों में उन्हीं को दिखाया गया है साहित्य से साहित्य मिलाते हुए, लेकिन मामला कुछ भिन्न है। ज्योति मैया की सबसे पहले
ज्योति मैया की सबसे पहले जहाँ चलती है प्यार करती है मातों का मैया जहाँ भक्तों पर जहाँ भक्तों की बिगड़ती जो भी जलती है ज्योति मैया की यहाँ पहले जला करती है और प्रलय का दौर है आया प्रलय का दौर आया प्रलय के दौर में है नहीं कोई और में है महा महामाया की माया महामाया की माया सबसे पहले मिलती है तो ज्योति मैया की यहाँ सबसे पहले चलती और भैया ने पुरुषों को मारा है मार के तारा है हर चित हुए समुदे नजारा है क्या नजारा देते मैया गोरी से ताली रो हरा
ज्योति मैया की सबसे भगवान राम ने चढ़ाई की सहस्रानंद पे विशेषता है इसमें चारों युग में गोरी से काली बनी जितने भी आपने प्रसंग दिखाए उनमें हमने एक विशेषता दी है कि माँ इन्हीं प्रसंगों में केवल माँ गोरी है और गोरी से काली बनी। आइए एक अपनी ओर से किसने राजवीर यादव जी एक गीत आया कौन सा किस साल साल
पंचमुखी माता विशेषता क्या है? पंचमुखी माता बसन पंचाले एक आनन पंचानन पंचानन एक पंचमुखी माता पांच मुख है और पांच वर है, वाहन भी पांच है और माता जी के जो वस्त्र है वो भी क्या बात है बेटा पांच प्रकार के है और विशेषता ये है कि माता जी के उन पांच मुखों में एक जो मुख है वो पंचानन है। क्या बात है बहुत प्यारी बेटा। अगली बात सुनिएगा और उनके पति कैसे हैं? तपाया गया पंच तत्व तो है ऐसा साजन पांच तत्व प्रगति है जिसे ऐसा साधन पाया कि पंचमुखी शिव के
पंचमुखी सीता बसन पंचालो, पंचमुखी जो है और उनका जो वस्त्र है वो भी पंचाना है। पंचमुखी सूत बसन पंचाल पंचाना और पांचों सिरों में पंचानन एक और अगली बात सुनेगा भगवान शिव के आंख से आंसू टपका वो जग में फल के रूप में आया। एक मुखी से चौदह मुखों तक जग में जिसकी माया, क्या बात है बेटा, क्या बात है, बहुत सही। एक मुखी से चौदह मुखों तक जग में जिसकी माया, तो पंचमुखी पंचमुखी माता आसन पंचाल और एक मुखी से चौदह मुखी तक जब साधन पंचाल रुद्राक्ष पूजन करने का एक माला है, साधन है जब साधन पंचाल अंतिम बात सुनिएगा। पंचमुख वाले हनुमान जी पंचमुखी है विघ्न विनाशक, पंचमुखी है विघ्न विनायक, प्रत्युमाई हनुमान जी पंचमुखी और भगवान गणेश पांच मुख वाले, तो कि पंचमुखी माते
पंचमुखी बातें ललन पर पंचमुखी बातें ललन पर